क्या करूँगी, भी निकल गई है। उसको बहुत मज़ा आ रहा है अंदर, ये फ्री के महाड़ा के घर में रह रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अलग अलग शो कर रहा है, कभी खतरा खतरा, कभी हुनरबाज, कभी खतरा खतरा, कभी हुनरबाज। अच्छा, सुपर टैलेंटेड निकलने वाला है। अच्छा ये बताइए, हुनरबाज पे है तो कितना हुनरबाज होगा वो? पता नहीं, मैं एक्चुअली परसों ही, कल हुनरबाज देख रही थी, तो जब गाना बजता है तुझको सा इतना हिलता है, मुझे लगता है कि जो हमारे जो शो मैं कर रही हूँ इसको पेट में लेके, जब जब इसके टाइटल ट्रैक बजेगी ये तभी सोएगा, तो इसकी लोरियाँ यही है। काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं अंदर, आपका कोई पर्सनल फेवरेट है? मेरा ये है, पता नहीं अभी लड़का है या लड़की, बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत टैलेंटेड है। टीवी पे कभी कभी वो चीज़ें निकल के नहीं आती, लेकिन इधर सामने में कभी जादू देखते हैं या कोई बांसुरी बजा रहा है या पुलिस वाले गा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग यार। मतलब कभी आप लाइव देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार अपने इंडिया में बहुत टैलेंट है। खतरा खतरा में आने वाले समय में कौन से क्रिकेटर, हरभजन सिंह को तो हमने देख लिया, आने वाले समय में कोई क्रिकेटर देखने मिलेगा? मुझे तो बड़ी इच्छा है कि सचिन जी आए और धोनी जी आए, सुरेश रैना जी भी ज़रूर। तो हम तो चाहते हैं पूरी इंडियन क्रिकेट टीम आए और मज़ा आए और देखे फिर भाई। अब बताओ खतरा खतरा खतरा, चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय, टेक केयर। हुनरबाज की आज सेट पे हैं हम लोग, एंड रॉक नामा करके एक बैंड है, उनके साथ मैं परफॉर्म कर रही हूँ। दे आर कंटेस्टेंट, सो एज अ सेलिब्रिटी आई एम सपोर्टिंग देम टुडे। तुम्हारी बहुत ब्यूटीफुल शानदार परफॉर्मेंस है, फोक रॉक और सूफी के जॉनर में, मतलब तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉनर जो फ्यूज़ करे हैं हमने, तो आप वो सुनेंगे। आज मेरा एक फेमस गाना है जिसको हम एक और फेमस गाने के साथ फ्यूज कर रहे हैं, तो खूब सारी सरगम होंगी एंड अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक। ओके, सो तीनों म्यूजिक की बात करो, काफी डिफिकल्ट है तीनों म्यूजिक एक साथ परफॉर्म करना, तीन दिन से रिहर्सल चल रही है। सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर? आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी नर्वस आल्सो। मैं हमेशा परफॉर्मेंस से पहले एक्साइटेड और नर्वस दोनों रहती हूँ, और तीन दिन से रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा होगा। एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट करण, बिकॉज मैं बिग बॉस OTT से उनसे मिली नहीं हूं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। ओके, सो रियलिटी शोज की मैं बात करूं, दिस इज अ टैलेंट रियलिटी शो, एंड हाउ डू यू सी रियलिटी शो? बिकॉज OTT में भी देखा, बिग बॉस में भी देखा, एंड दिस इज वन मोर रियलिटी शो, हाउ डू यू डिफाइन अ रियलिटी शो? ये बिग बॉस से डिफरेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली एक टैलेंट शो है, बिग बॉस एक पर्सनैलिटी का शो है, तो बहुत डिफरेंट है। मैं खुद एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ 20 साल पहले, सो मुझे लगता है कि रियलिटी शो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू गिव पीपल अ चांस टू शोकेस देयर टैलेंट, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू से टू करण सर आफ्टर, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग हिम आफ्टर OTT? आई एम गोना गिव हिम अ बिग हग, बिकॉज तब हम, मैंने उनको TV के थ्रू देखा था, अब मैं पहली बार उनको आमने सामने OTT के बाद देख रही हूँ। हाँ, फिनाले स्टेज में मिली, तो आई एम जस्ट गोना गिव बिग हग एंड टेल हिम आई मिस्ड। एंड रिसेंटली निशान सर से भी आप मिले, क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई? अब वो हर बात बताने वाली थोड़ी ना होती है, बहुत बातें हुई, बहुत मस्ती हुई, उससे भी मैं बहुत बात टाइम बाद मिली, एंड हम जब मिलते हैं मैडनेस होती है, तो खूब सारी मैडनेस हुई, इनफैक्ट कल रात को ही मिले। रश्मि देसाई के साथ आपका गाना आने वाला है, तो निशान के साथ भी कोई कुछ गाना आने वाला, एंड रश्मि आपका और राजीव सर का कब कॉम्बिनेशन में गाना आएगा? जब आप वो गाना लिखेंगे तब मैं वो गाना परफॉर्म करूँगी। उमर नहीं चाहते आप गाने में? चलेगा, उमर भी चलेगा। अच्छा ठीक है, बट होपफुली एट सम पॉइंट, राजीव तो बहुत पुश कर रहा है मुझे, आई हैव टू राइट दैट सॉन्ग, जिस दिन वो गाना हो जाएगा उस दिन वो करेंगे। थैंक यू सो मच।